बड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। मदरसों क्या तो ये हिस्सा है नहीं, मदरसों में तालीम के लिए बनाइए, मदरसों में तालीम दिवस बनाइए कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम कम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी तालीम में क्या कमी है। तो ये तो मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए, योग दिवस से क्या मतलब है? तो योग दिवस को कैसा मानते हैं? अभी योग अच्छी चीज है, उसमें कोई बुरी चीज तो है? हर आदमी अपने घर भी योग कर सकता है, अपने क्या पहले अखाड़े थे, ये थे सब पहलवान कसरत करने जाते थे तो पहले न था, लेकिन भाई पहले तालीम की भी कमी थी। अभी ये इन्होंने डेवलप करके इसको एक कानून बना दिया। नहीं, क्या वजह है जो सरकार मदरसों में और दरगाहों में योग दिवस कराने जा रही है? अरे ये मदरसों में हरेसमेंट फैलाने के लिए सिर्फ, और ये चाहते हैं कि ये मदरसे न चले और मुसलमान बच्चे वो अपने मजहबी तालीम हासिल न करें, ये इनका एक ही मंशा है।